नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश तक में। एशियन चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में जीत पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को तारीफें मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीतकर सभी भारतवासियों को गौरवान्वित किया है। रोमांचक मुकाबले में भारत ने खिताबी जीत हासिल की है। कमलनाथ ने इस जीत के लिए सभी खिलाड़ियों और उसके प्रशंसकों को बधाई दी है। आपको बता दें, फाइनल मुकाबले में एक समय दो गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया। दूसरे हाफ तक मलेशिया की टीम 3-1 से आगे थी। भारत ने चौथी दफा एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट को जीतने वाला देश बन गया है। पाकिस्तान के नाम ये खिताब 3 बार है। मलेशिया का ये पहला फाइनल मुकाबला था। भारत की इस जीत से मलेशिया की पहली बार ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है। मलेशिया भले ही ट्रॉफी पर कब्जा नहीं कर सका, लेकिन उसने भारत के भी छक्के छुड़ा दिए, एक समय पसीना निकाल दिया। इससे पहले पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी फाइनल में जीत पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। हॉकी इंडियन ने हॉकी टीम के हर सदस्य को 3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 1,50,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया। इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्रदेश तक को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।